पहला प्रश्न है, कहता है एस्फेक्सिया, आप लोग फर्स्ट ईयर में भी सेकंड ईयर में भी एस्फेक्सिया के बारे में सुने होंगे, बट अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं नियोनेंट्रम एस्फेक्सिया, यानी श्वास अवरोध नियोनेंटम किसे कहते हैं, इसके कारण चिन्ह लक्षण व प्रबंध को बताना है। अब जो नवजात शिशु होता है उसमें श्वसन कष्ट को ही हम लोग एस्फेक्सिया नियोनेंट्रम कहते हैं। नियोनेंट्रम का मतलब क्या होता है कि जो नवजात शिशु होता है उसी को ना नियोनेंटल कहते हैं, तो इसमें एस्फेक्सिया को ही जो है एस्फेक्सिया नियोनेंट्रम कहते हैं। तो यह एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वह नवजात रहता है, तो उसमें अगर श्वास का कष्ट आता है, श्वसन कष्ट होता है, तो उसको एस्फेक्सिया नियोनेंट्रम कहते हैं। समझिए, यहाँ पे ऐसी स्थिति जब शिशु के जन्म के समय पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त न हो एस्फेक्सिया नियोनेंट्रम कहलाती है। क्या मैंने बताया कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वह नियोनेंट्रम रहता है, नवजात रहता है, और जब जन्म लेता है उस समय अगर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन अगर नहीं मिलता है तो उसे हम लोग एस्फेक्सिया नियोनेंट्रम कहते हैं। समझ गए, यह जनलेवा सिद्ध हो सकती है। अब यह जो होता है जनलेवा सिद्ध हो सकता है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो डेथ हो ही जाएगा ना। तो देश में नवजात की मृत्यु का एक प्रमुख कारण श्वास अवरोध है, यानी जो है एस्फेक्सिया है। समझ गए, इसे पेरिनेंटल एस्फेक्सिया व बर्थ एस्फेक्सिया के नाम से भी जाना जाता है। इसे जो है पेरिनेटल मतलब जन्म के दौरान श्वास अवरोध या बर्थ एस्फेक्सिया, या इसी को नियोनेंट्रल एस्फेक्सिया कहते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय भारी ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में कमी हो जाता है, जिसके कारण जो है श्वास का अवरोध हो जाता है, श्वसन में कष्ट आने लगता है, श्वसन लेने में जिससे डेथ भी हो सकता है, जनलेवा भी सिद्ध होता है ये। और देश में इसका मृत्यु दर का कारण एक प्रमुख कारण एस्फेक्सिया भी होता है। समझ गए, तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे देख लीजिए इंग्लिश में है, यहाँ पे सारा के सारा दिया गया है। अब यहाँ पे कारण देख लीजिए इसके क्या कारण होते हैं। समझ गए, ये चीज़ होने के क्या कारण होते हैं कि बच्चे के जन्म के समय श्वसन कष्ट हो सकता है। सबसे पहले बर्थ इंजरी, जन्म होते समय अगर चोट लग गया है, इंजरी कोई हो चुका है तो उससे भी यह हो चुका होता है। बच्चा भ्रूण में कोई जो है विपत्ति है, कोई डिस्ट्रेस है, समस्या है, प्री टर्म समय से पहले बच्चा जन्म ले लिया है तो एक कारण भी होता है। समझ गए, प्रसर्व पूर्व रक्तस्राव, अगर प्रसर्व से पहले बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुका है तो यह कंडीशन होता है। कोल्ड प्रोलैप्स होता है तो उस कंडीशन में भी ये होता है, क्योंकि कोल्ड प्रोलैप्स होता है तो जो कोल्ड होता है वह भ्रंश हो जाता है। समझ गए, टूट जाता है। उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन भी ये जो है कारण बन सकता है। समझ गए, माँ को दी गई शामक दवाइयों का प्रभाव, यानी सीडेटिव दवाइयाँ जो शांत रखता है मरीज को, तो अगर डिलीवरी कराने के समय कोई शामक दवाइयाँ दिया गया है तो इसका प्रभाव भी जो है श्वास अवरोध कर सकता है। समझ गए, अपरा अपर्याप्त, प्लेसेंटा इनसुफिशियंस, मतलब जो अपरा होता है वह पूर्ण तरीका से जो है पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त है। समझ गए, अति परिपक्वता, पोस्ट मेच्योरिटी, अब बच्चे में बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी हो जाना भी जो है आपका प्रॉब्लम कर सकता है। माल प्रेजेंटेशन, बच्चा का जो प्रस्तुति होना चाहिए कि किस पोजीशन में बच्चा है, अगर उस सही पोजीशन में नहीं होगा, मतलब माल पोजीशन में होगा तो वह पोजीशन भी दिक्कत करेगा। समझ गए, खराब प्रस्तुति इतिहास, बैड ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री, अब पहले कोई जो प्रस्तुति हुआ है तो उसमें खराब जो है फीलिंग, खराब जो है हिस्ट्री है महिला का, तो उस कंडीशन में भी प्रॉब्लम कर सकता है। और इंट्रा यूटेरिन हाइपोक्सिया, यूटेरिन मतलब गर्भाशय के अंदर जो है ऑक्सीजन का कमी भी जो है आपको ये चीज़ें प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो बहुत सारे कारण जो कि माँ और बच्चे दोनों से रिलेटेड हो सकता है, जो कि यहाँ पे सब के सब आपको बताया गया है। ठीक है, चाहे जन्म के समय चोट लगना हो, चाहे फीटल डिस्ट्रेस हो, चाहे जन्म से पहले समय से पहले जन्म लेना यानी प्री टर्म हो, जो है प्रसर्व से पहले बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो, कोल्ड प्रोलैप्स हो, हाइपरटेंशन हो, समझ गए, कुछ सीडेटिव दवाइयाँ का साइड इफेक्ट हो, समझ गए, प्लेसेंटा इनसुफिशियंस हो, पोस्ट मैच्योरिटी हो मतलब अति परिपक्वता, माल पोजीशन हो, बैड ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री हो, इंट्रा यूटेरिन हाइपोक्सिया हो, तो ये सब कारण श्वास अवरोध में हो सकता है। समझ गए, रही बात लक्षण की क्या होता है, तो लक्षण अगर किसी बच्चा जन्म लेता है और उसमें श्वास का कमी आता है, ऑक्सीजन का कमी होता है, श्वास में अवरोध आता है, तो रक्त में ऑक्सीजन की कमी देखा जाता है लक्षण में। लो अपगार स्कोर, जब अपगार स्कोर चेक किया जाता है तो उसमें लो जो है इंडिकेट करता है। हृदय का मंद धड़कन, हृदय का धड़कन मंद होता है, ब्रेडिकार्डिया। पीलापन, पेलोरनेस हो रहता है, नीलापन साइनोसिस होता है, क्योंकि जानते हैं ब्लड कम होगा, ऑक्सीजन कम होगा तो क्या होगा, पीलापन होगा ही शरीर, साइनोसिस नीलापन भी होगा। समझ गए ना,
आगे है, बॉडी में अम्लीयता ज़्यादा बढ़ेगा, एसिडोसिस, समझ गए, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाएगा, जब ऑक्सीजन कमेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आघात भी लग सकता है, शॉक भी लग सकता है और डेथ भी हो सकता है। तो लक्षण में ये सब जो है आपके आते हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देकर रखना है, ठीक है। आगे है, अब लक्षण देख लिए, कारण देख लिए, अब इसका मैनेजमेंट देखिए कि नियोनेंट्रम में अगर एस्फेक्सिया होता है तो क्या जो है प्रबंध करना चाहिए आपको एज ए नर्स, ठीक है। प्रबंध में है कि महिला को गर्भावस्था में उचित प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान करनी चाहिए। अब एक महिला है, वह प्रेगनेंसी में है, तो उसे एंटीनेंटल केयर, प्रसव पूर्व केयर बहुत अच्छी से करनी चाहिए। इंट्रायूटेरिन हाइपोक्सिया मतलब गर्भाशय के अंदर ऑक्सीजन की कमी के स्थिति में महिला को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रदान करनी चाहिए ताकि उसको बेबी को ऑक्सीजन मिल सके, ठीक है। गर्भ अवस्था के दौरान सीडेटिव ड्रग का उपयोग चिकित्सक निर्देशानुसार ध्यानपूर्वक करना चाहिए। अब प्रेगनेंसी के दौरान अगर प्रेगनेंसी में है तो कोई भी दवाई आप ले तो सबसे पहले ध्यान दें कि डॉक्टर से बिना सजेशन के नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट सीधा आपके बेबी पर पड़ता है, समझ गए। चौथा है, उच्च जोखिम ग्रस्त हाई रिस्क प्रेगनेंसी का जल्दी पता लगाकर प्रसव हेतु सभी आवश्यक तैयारी पूर्ण कर लेनी चाहिए। आपको बता चुके हैं कि हाई रिस्क जोखिम प्रेगनेंसी क्या होता है, तो अगर एक कंडीशन है किसी महिला में तो तुरंत पता लगाकर सभी आवश्यक तैयारी पूर्ण कर लेना चाहिए प्रसव के लिए, समझ गए। पांचवा है, प्रसव के दौरान समय समय पर भ्रूण की जांच करनी चाहिए, वह भ्रूण की विपत्ति की स्थिति के शीघ्र प्रसव करना चाहिए। समय समय पर भ्रूण का जांच करना चाहिए और अगर कोई फीटल डिस्ट्रेस पाए मतलब भ्रूण से संबंधित कोई विकार पाए तो उसे क्या करना चाहिए, उसे जो है शीघ्र प्रसव करा देना चाहिए। छठा है, जन्म के तुरंत बाद नवजात का एपगार योग निकालना चाहिए व किसी भी प्रकार की असमानता का नोट करना चाहिए। जन्म के तुरंत 1 मिनट और 5 मिनट के अंदर जो है अपगार स्कोर निकाल कर तय करेंगे कि बच्चा किस कंडीशन में है। श्वास अवरोध नियोनेंट्रम की स्थिति उत्पन्न होने पर शिशु का रिससिटेशन किया जाता है, इसके लिए प्रमुख उद्देश्य है। अब जैसे ही पता लगे कि शिशु में नियोनेंट्रम है, एस्फेक्सिया है, श्वास अवरोध है, तो इस कंडीशन में रिससिटेशन किया जाता है और इसके लिए शिशु के लिए हम वायु मार्ग को साफ करते हैं, रक्त परिसंचरण को अच्छा करते हैं, नवजात का देह के तापक्रम को बनाए रखते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया व रक्तस्राव की रोकथाम करते हैं, रक्त में अम्लीयता की कमी लाते हैं। तो ये सब हम कब करते हैं, जब श्वास अवरोध का पता चले तो उसके लिए वायु मार्ग को साफ करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करेंगे, तापक्रम को बनाए रखेंगे, हाइपोग्लाइसेमिया और रक्तस्राव की रोकथाम करेंगे और रक्त में अम्ल में कम अम्लता में कमी लाना, ठीक है। आठवां है, रिससिटेशन ट्रॉली प्रसव कक्ष में ही उपलब्ध होनी चाहिए। अब जो रिससिटेशन ट्रॉली होता है वह प्रसव कक्ष में ही उपलब्ध होनी चाहिए, वह इसमें निम्न आवश्यक उपकरण होनी चाहिए। अब रिससिटेशन करने के लिए ऐसा नहीं है कि लेबर करा रहे हैं और रिससिटेशन जो है ट्रॉली कहीं और रखा हो, प्रसव कक्ष में ही होनी चाहिए ताकि आवश्यक पड़ने पर हम ये सारे उपकरण का इस्तेमाल कर सके श्वसन अवरोध होने पर। कौन कौन सा रहता है, ऑक्सीजन कैनुला रहता है, एम्बू बैग और मास्क रहता है, मैनोमीटर रहता है, सक्शन मशीन रहता है, इन्फेंट लैरिंजोस्कोप रहता है, इन्फेंट इंडोट्रेकियल ट्यूब रहता है, समझ गए। शिशु के लिए लैरिंजोस्कोप रहता है पता लगाने के लिए, शिशु के लिए इंडोट्रेकियल ट्यूब होता है जो ट्यूब अंडर डाला जाता है, समझ गए। और नियोनेंटल एयरबेज मतलब हवा मार्ग बनाने के लिए सक्शन कैथेटर होता है, स्टेटोस्कोप होता है धड़कन सुनने के लिए। तो ये सब जो है आपको जब आप बच्चा में लगे कि श्वसन अवरोध है तो ये सारा सामान आपके रिससिटेशन पुनर्जीवन ट्रॉली पर होना चाहिए, जिसमें आपके ऑक्सीजन कैनुला, एम्बू बैग, मास्क, मैनोमीटर, सक्शन मशीन, इन्फेंट लैरिंजोस्कोप, इन्फेंट इंडोट्रेकियल ट्यूब, नियोनेंटल एयरबेज, सक्शन कैथेटर और स्टेटोस्कोप, ये सब वगैरह जो है आपके पास होनी चाहिए। जब श्वसन अवरोध हो तो ये सब का तुरंत इस्तेमाल करके बच्चे को श्वसन के क्रिया को सुचारू करते हैं। अब यहाँ पे टोटल इंग्लिश प्रबंध का दिया गया है, ये प्रश्न यहाँ पे होता है आपका समाप्त। तो जो भी लोग हैं अच्छे से देखिए, नियोनेंट्रम एस्फेक्सिया मैंने बता दिया, आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछेगा तो अच्छे से लिखिएगा। अब हम लोग यहाँ पे एक नए प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि आपके सामने है। अब ये वाला जो प्रश्न है यह मोस्ट VVI है। अब मोस्ट VVI मैं इसलिए बता रहा हूं कि हो सकता है अगर ये एग्जाम में नहीं भी पूछेगा ना तो आपको संपूर्ण
तो यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए कि मान गए ये प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं भी पूछा, ठीक है, मान लेते हैं कि एक तौर पे नहीं पूछा एग्जाम में, लेकिन आप इसके बाद बहुत सारे कम्पिटेटिव एग्जाम देंगे, यहाँ से प्रश्न आना ही आना है, ये 110% सत्य बातें हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि गर्भ अवस्था के मुख्य हार्मोन्स के बारे में समझे, तो आपके लिए मिडवाइफरी में यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको जो है मिडवाइफरी में कौन कौन से हार्मोन जो है प्रेगनेंसी में मुख्य रूप से भूमिका निभाता है, तो प्रेगनेंसी में मुख्य हार्मोन के बारे में जानना है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे आप कोई भी कहीं भी कभी भी जाइएगा ना, तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझ गए। तो इस हिसाब से आप लोग पढ़िए, देखिए कि आपके लिए यह जो है प्रेगनेंसी में मुख्य हार्मोन के बारे में समझाए, यानी कौन कौन से हार्मोन है जो गर्भ अवस्था में अपना भूमिका निभाता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या होता है, इसका क्या काम है प्रेगनेंसी में। टोटल हार्मोन, बहुत सारे हार्मोन के बारे में आप जानते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, समझ गए, ऑक्सीटोक्सिन, बहुत सारे हार्मोन हैं जिसको बारे में अभी हम पढ़ेंगे। यह प्रेगनेंसी में जो है भूमिका निभाने वाला हार्मोन है, इसको आपको हर एक जगह पर यह प्रश्न आएगा ही आएगा, चाहे आप अपने एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप GNM का एग्ज़ाम दे रहे हैं या ANM का एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई भी कंपटीशन की एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपके वहाँ आएगा ही आएगा यहाँ से प्रश्न। तो चलिए अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, चलिए पढ़ लीजिए। यहाँ पे आपके सामने में है, कहता है भूमिका निभाने वाला निम्नलिखित तो जो है आपके सामने में, यहाँ पे देख लीजिए, गर्भ अवस्था में निम्न हार्मोन जो है आपके, देख लीजिए, गर्भ अवस्था में निम्न हार्मोन महत्वपूर्ण होते हैं। निम्न हार्मोन कौन कौन महत्वपूर्ण होते हैं, कहता है ओस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन होता है, समझ गए, प्रोजीएस्टेरोन होता है, रिलैक्सिन होता है, HCG होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गेनेडोट्रोफिन, समझ गए, ह्यूमन कोरियोनिक गेनेडोट्रोफिन, समझ गए, गोनाडोट्रोफिन, HPL है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। तो इसको याद रखिएगा, ये पांच है, ओस्ट्रोजन, प्रोजिएस्टेरोन, रिलैक्सिन, HCG, HPL, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। तो ये चीज़ को आप लोग को समझना है, ओके। चलिए पहला हमने क्या देखा, एस्ट्रोजन, यह एक एस्टेरॉयडल हार्मोन है। यह कौन सा है, एक एस्टेरॉयडल हार्मोन है। यह प्लेसेंटा के ट्रोफोब्लास्ट परत द्वारा स्रावित होता है। यह स्रावित पदार्थ एस्ट्रोजन का पूर्ण हार्मोन प्रक्यूसर होता है। माय डियर, एस्ट्रोजन जो होता है यह एक एस्टेरॉयडल हार्मोन है, फर्स्ट पॉइंट। यह प्लेसेंटा की ट्रोफोब्लास्ट परत द्वारा सिक्रेशन होता है। तो पूछेगा कि एस्ट्रोजन कहाँ से स्रावित होता है, तो प्लेसेंटा के ट्रोफोब्लास्ट परत द्वारा स्रावित होता है, ओके। यह स्रावित पदार्थ एस्ट्रोजन का पूर्ण हार्मोन होता है, मतलब देखिए एस्ट्रोजन जो यहाँ से स्रावित होता है, और एस्ट्रोजन आपके जो है अलग भी जो है स्रावित होता है, एस्ट्रोजन को जो है प्लेसेंटा भी स्रावित करता है, लेकिन एस्ट्रोजन को पहले भी स्रावित किया जाता है कोई और अन्य अंग से, समझ गए ना, जिसको आप लोग जानते हैं। तो यह एस्ट्रोजन जो प्लेसेंटा द्वारा स्रावित होता है वह पूर्ण हार्मोन होता है, समझ गए, ध्यान दीजिएगा, ओके। चलिए, अब प्लेसेंटा के ट्रोफोब्लास्ट परत द्वारा स्रावित होता है, ओके, क्या काम करता है, यह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से क्रिया करके संयुक्त रूप से कार्य करता है, मतलब एस्ट्रोजन जो है यह प्रोजेस्टेरोन से क्रिया करके साथ में मिलकर काम करता है। यह गर्भाशय के एंडोमेट्रियम कोशिकाओं में वृद्धि को प्रेरित करता है, मीन्स यह जो है एंडोमेट्रियम जो गर्भाशय का आंतरिक लेयर होता है उसको मरम्मत करता है, उसको परत को वृद्धि करता है, मोटा करता है, समझ गए, तभी जाके बच्चा को पोषक मिलता है उसी एंडोमेट्रियम लेयर से। यह गर्भाशय की मांसपेशियों में वृद्धि कर रक्त आपूर्ति करता है, वही चीज़ें है कि यह गर्भाशय में मांसपेशियों के लेयर को बढ़ाता है और ब्लड सप्लाई भी जो है ब्लड सप्लाई को भी बढ़ाता है। तो एस्ट्रोजन का यही जो है आपका क्या है, काम है, जिसको आप लोग यहाँ पे समझे। आगे हम लोग अब दूसरा देखेंगे प्रोजेस्टेरोन के बारे में, यह भी एक एस्टेरॉयडल हार्मोन है, और आपको पता है प्रोजेस्टेरोन और जो है आपके एस्ट्रोजन दोनों के बारे में पहले से जान रहे हैं, दोनों एक एस्टेरॉयडल हार्मोन है। इसका रासायनिक नाम 17-hydroxy प्रोजेस्टेरोन होता है, समझ गए, 17-hydroxy प्रोजेस्टेरोन होता है। इसे कार्पस लूटियस द्वारा स्रावित किया जाता है। तो प्रोजेस्टेरोन किसके द्वारा स्रावित होता है, कार्पस लूटियम द्वारा स्रावित होता है, एवं 3 माह के पश्चात अपरा स्वयं इस हार्मोन को स्रावित करने लगता है।
मीन्स जब प्रेग्नेंट होता है, प्रेग्नेंट वोमेन होती है तो उससे पहले भी स्रावित होता है, तो उससे पहले कार्पस लुटियम जो है इसे सिक्रेट करता है। बट जब 3 महीने का प्रेग्नेंसी हो जाता है तो उसके बाद अपरा का स्ट्रक्चर हो गया रहता है तो यह खुद से भी इसे स्रावित करने लगता है। समझ गए? आगे चलिए, कार्य इसका क्या है प्रोजिस्टेरोन का, यह एस्ट्रोजन हार्मोन के साथ मिलकर काम करता है, आरोपण को प्रेरित करता है, मतलब यह जो है इम्प्लांटेशन जो होता है निषेचन के बाद जो आरोपण होता है उसको प्रेरित करता है, यह मायोमेट्रियम को पेशियों को संकुचित होने से रोकता है, मतलब यह यूट्रस के मध्यम लेयर को कंट्रैक्शन होने से रोकता है। समझ गए? प्रोजिस्टेरोन गर्भाशय में प्रोस्टेग्लैंड के निर्माण को रोकता है जिससे गर्भ अवस्था अवधि पूर्ण होने से पूर्व संकुचन उत्पन्न नहीं होता है। प्रोजेस्टेरोन का भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होता है, यह यूट्रस में प्रोस्टेग्लैंड के निर्माण को रोकता है। जब प्रोस्टेग्लैंड का निर्माण रुक जाता है ना, तभी जो है यूट्रस जो है हमारे पूरे 9 महीने जो है बिना कंट्रैक्शन के जो है चलता है। अगर जब कंट्रैक्शन शुरू हो जाएगा, समझते हैं कि यह प्रेगनेंसी का लेबर का समय आ चुका है प्रसर्व होने का। बीच में इससे पहले जो है अगर लेबर नहीं हुआ रहे, समय नहीं पूरा है अभी डिलीवरी होने का, तो यह जो है संकुचन नहीं होता है यूट्रस। समझ गए? यूट्रस संकुचन तभी होता है जब आपके नज़दीक आ गया रहता है लेबर, और उस समय प्रोस्टाग्लैंड का निर्माण जो है होने लगता है। उससे पहले प्रोस्टाग्लैंड का निर्माण को कौन रोक कर रखता है? यही प्रोजेस्टेरोन रोक के रखता है। क्यों? क्योंकि अगर प्रोस्टाग्लैंड के निर्माण को अगर नहीं रोकेगा तो प्रोस्टाग्लैंड क्या करता है, संकुचन में भूमिका निभाने लगता है। समझ गए? तो इसलिए यह रोक कर रखता है। तीसरा है रिलैक्सिन, यह पेप्टाइड हार्मोन है, इसका स्रोत कार्पस ल्यूटियम प्लेसेंटा डेसुडिया होता है, इसे प्रसर्व हार्मोन भी कहते हैं। रिलैक्सिन क्या होता है? यह एक पेप्टाइड हार्मोन है, जबकि इससे पहले एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों एस्ट्रोइडल हार्मोन था। समझ गए? इसका स्रोत क्या है? तो यह भी कार्पस ल्यूटियम प्लेसेंटा और डेसुडिया, यह तीनों से जो है सीक्रेट होता है, इसे प्रसर्व हार्मोन भी कहते हैं। समझ गए? इसे लेबर हार्मोन भी कहते हैं। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य होता है, इसका प्रमुख कार्य प्रसर्व के समय सिम्फेसिस प्यूबिस एवं सैक्रोइलियक ज्वाइंट को ढीला करना होता है। इस हार्मोन का काम होता है कि जो सिम्फेसिस प्यूबिस होता है और जो सैक्रोइलियक ज्वाइंट है, इन दोनों को ढीला करता है। समझ गए? इस हार्मोन के कार्य से शिशु का सिर आसानी से पेल्विक कैविटी को पार कर लेता है, क्योंकि इसका काम होता है कि यह सिम्फेसिस प्यूबिस और सैक्रोइलियट ज्वाइंट को ढीला करता है। जब ढीला करता है तो बेबी का जो सिर होता है आसानी से पेल्विक कैविटी को पार कर लेता है। जब पेल्विक कैविटी को पार कर लेगा तो आसान हो जाता है डिलीवरी। इसीलिए इसे लेबर हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि यह बच्चे के रास्ता मार्ग को बनाता है डिलीवरी के लिए। समझ गए? चौथा है HCG, इसे ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन कहा जाता है। यह अपरा की ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं द्वारा जो है स्रावित होता है। यह ग्लाइकोप्रोटीन है। समझ गए? HCG जो है यह अपरा के ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। समझिए, यह ग्लाइकोप्रोटीन होती है। समझ गए? इसको ध्यान देना है। इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है, यह कार्पस लुटियम को प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रवण हेतु प्रेरित करता है। मतलब HCG का काम यही है कि यह कार्पस लुटियस को कहेगा कि तुम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को जो है प्रेरित करो, रिलीज करो। कौन बताता है? HCG। HCG जो है कार्पस लुटियम को कहेगा कि तुम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रेशन करो, श्रवण करो, प्रेरित करता है। समझ गए? यह भ्रूण को मां के गर्भाशय में बनाए रखता है व अन्य हार्मोनों को निर्माण को प्रेरित करता है। जिस प्रकार से प्यूटरी ग्लैंड एक मास्टर ग्लैंड का रोल निभाता है, वह बताता है कि कब किस हार्मोन को रिलीज करना है, उसी प्रकार से प्रेगनेंसी में HCG जो है आपका एक मास्टर ग्लैंड के रूप में काम करता है। यह जो है प्रोजेस्टेरोन को और साथ में अन्य हार्मोनों को जो है क्या करता है, निर्माण को प्रेरित करता है, और साथ में यह भ्रूण को माँ के गर्भ में बनाए रखता है। समझ गए? तो HCG भी एक महत्वपूर्ण हार्मोन है। HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, यह एक प्रोटीन हार्मोन होता है। यह कौन सा है? यह एक प्रोटीन हार्मोन है। यह अपरा की ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है। तो सीधी सी बात जानिए, प्लेसेंटा से कोई भी हार्मोन रिलीज हो रहा है तो वह ट्रोफोब्लास्ट से ही रिलीज हो रहा है। समझ गए ना? इसी के स्तर से। तो यहां से HPL भी जो है सीक्रेट हो रहा है, HCG भी सीक्रेट हो रहा था यहीं से। समझ गए? इसका कार्य है कि यह भ्रूण को ग्लूकोज की आपूर्ति को बढ़ाता है, यह प्रोटीन एवं वसा के विखंडन को बढ़ाता है व ग्लूकोज निर्माण को प्रेरित करता है। तो HPL जिसे हम लोग क्या कहते हैं,
हम लोग ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजेन कहते हैं। यह एक प्रोटीन हार्मोन होता है। यह अपरा की ट्रोफोबलास्ट कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है। क्या चीज़? यह अपरा की ट्रोफोबलास्ट कोशिकाओं द्वारा, यानी यह प्लेसेंटा में, जो चूँकि हम लोग जानते हैं प्लेसेंटा एक यूट्रस पर बना हुआ एक हमारा आकृति होता है डोम के शेप में, समझ गए? तो इसी से जो है, इसी में जो है हमारा एक ट्रोफोबलास्ट कोशिका होता है, और यही कोशिका जो है हमारा HPL समझ गए, HCG समझ गए, इस सब को जो है क्या करता है, सिक्रेटन करता है। ओके, अब HPL का काम यही है कि यह भ्रूण को ग्लूकोज की आपूर्ति को बढ़ाता है, यह प्रोटीन और वसा को विखंडन को बढ़ाता है, जिसे ग्लूकोज निर्माण को प्रेरित करता है, समझ गए? तो यही हमारा 5 हार्मोन है, इसको आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा। नीचे टोटल का इंग्लिश दे दिया गया है, कोई टेंशन नहीं है, समझ गए? बिल्कुल अच्छे से आप लोग को इसको पढ़ना है, टोटल इंग्लिश यहाँ पर दे दिया गया है। प्रश्न है, कहता है प्रश्न कि अस्थानिक गर्भधारण क्या है, इसके प्रकार, कारण, लक्षण, निदान व प्रबंध को बताएं। मतलब अस्थानिक का मतलब क्या होता है कि अनप्लेस, मतलब जिस जगह पर होना चाहिए उस जगह पर ना होकर किसी दूसरे जगह पर जो है गर्भ का धारण होता है, तो वही अस्थानिक गर्भधारण के बारे में बताना है, ठीक है? कैसे, चलिए देखिए, इंग्लिश में इसे इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, और कहीं कहीं आपको हिंदी में जो लिखा होगा वह इक्टोपिक प्रेगनेंसी ही लिखा हो सकता है, या कहीं कहीं अस्थानिक लिखा रहेगा, तो ध्यान आपको देना है, ठीक है? चलिए देखते हैं माय डियर, सीधा समझिए कि इक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है, अस्थानिक गर्भधारण का मतलब होता है कि ऐसी असमान स्थिति, मतलब ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन जहां निषेचन जो है, फर्टिलाइजेशन जो है वह ओभम का आरोपण, मतलब जो निषेचन जो होता है और निषेचन के बाद जो अंडा, जो डिम्ब होता है उसका आरोपण, इम्प्लांटेशन और विकास जो है वह यूट्रस के बाहर होता है, समझ गए? यानी गर्भाशय गुहा के बाहर होता है, तो उसको ही हम लोग अस्थानिक गर्भधारण, एक टॉपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। जैसे मान गए मेल फीमेल का रिलेशन बना, उसके बाद जो अंडा होता है वह जो है मेल के जो है शुक्राणु का इंतजार करता है, तो जैसे ही शुक्राणु मिल जाता है, ओभम फर्टिलाइज हो जाता है, तो जो ओभम होता है उसका जो इम्प्लांटेशन जो यूट्रस में होना चाहिए, जो विकास और जो आरोपण उसका यूट्रस में होना चाहिए, वह यूट्रस में नहीं होकर वह यूट्रस के बाहर होता है, और यूट्रस के बाहर कहा जाए तो फैलोपियन ट्यूब में होता है, तो उसी को जो है हम लोग अस्थानिक गर्भधारण कहते हैं, ठीक है? इसे एक्स्ट्रा यूटेरिन प्रेगनेंसी भी कहते हैं। एक्स्ट्रा यूटेरिन का मतलब क्या होता है कि गर्भाशय के बाहर का प्रेगनेंसी, ठीक है, एक्स्ट्रा यूटेरिन प्रेगनेंसी कहते हैं। अस्थानिक गर्भधारण में जो निषेचित डिम्ब होता है वह सामान्यतः फैलोपियन ट्यूब में आरोपित होता है, मतलब यूट्रस से बाहर होता है जो आरोपण, इम्प्लांटेशन, वह नॉर्मल जो होता है वह सामान्यतः जो है फैलोपियन ट्यूब में होता है, और फैलोपियन ट्यूब कोई जगह नहीं है आरोपण का, तो लेकिन यह फैलोपियन ट्यूब में ही बच्चा जो है धीरे धीरे विकास होने लगता है और वहीं पर उसका जो है शिफ्ट हो जाता है, तो यह गड़बड़ हो जाता है, यह अस्थानिक हो जाता है, जबकि होना कहाँ चाहिए, यूट्रस में, तो यूट्रस से बाहर फैलोपियन ट्यूब में सामान्यतः यह आरोपण होता है डिम्ब का, तो यही हमारा जो है इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाता है, अस्थानिक गर्भधारण कहलाता है। ओके, आगे देख लीजिए, यहाँ पे स्पष्ट रूप से फिगर में दिया गया है, यही हमारा इक्टोपिक प्रेगनेंसी है। जैसे मानिए इधर भी जो है हमारा क्या लगा रहता है, फैलोपियन ट्यूब है, और यह भी हमारा फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे जो है यह ओवरी है और यह ओवरी है, ठीक है, अंडाशय, जहाँ से अंडा जो है सीक्रेट हो निकलता है। अब ये जो है मान गए जैसे फर्टिलाइजेशन के क्रिया हुआ, ठीक है, और यह हमारा बीच वाला पोर्शन जो है यह हमारा यूट्रस का पोर्शन है, क्या है ये हमारा जो बीच वाला भाग है, ये वाला भाग यह यूट्रस है, ठीक है, गर्भाशय है। अब जो बच्चा नॉर्मल तरीका से अगर आरोपण होता और बच्चा का विकास होता तो यूट्रस में होता, यूट्रस में कहीं भी होता, ठीक है ना, तो ये नॉर्मल रहता, लेकिन इक्टोपिक मतलब अस्थानिक का मतलब है कि वह यूट्रस में यहाँ नहीं होकर वह यूट्रस के बाहर फैलोपियन ट्यूब में कहीं भी जो है आरोपण हो जाता है और वहीं पर विकास होने लगता है उस ओभम, उस डिम्ब का, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर दर्शाया गया है कि यह फैलोपियन ट्यूब है, और इस फैलोपियन ट्यूब में देख सकते हैं एक छोटा सा सर्किल बना हुआ है, यह अंडा है और यह फैलोपियन ट्यूब है, और यह ये जो है फैलोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांट हो गया है, मतलब आरोपण हो गया है, और यहीं पर इसका विकास होने लगेगा, तो यही जो है हमारा इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाता है, ठीक है। इसी को जूम करके यहाँ पर देखिए बता दिया गया है, इसको जो है जूम करके यहाँ पर बता दिया गया है, ये नली जो है फैलोपियन ट्यूब है, और इसी फैलोपियन ट्यूब में यह डिम्ब का विकास और डिम्ब आरोपण हो गया है, ठीक है, तो यही इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाता है, जबकि नॉर्मल कहाँ पर होता है, तो यूट्रस
यूट्रस में होता है, ठीक है, यूट्रस में आरोपण होता है और यूट्रस में ही सारा विकास वगैरह होता है, तो यही हमारा नॉर्मल होता है। लेकिन यहाँ पे होगा या यहाँ पर होगा फैलोपियन में, तो यह हमारा एक टॉपिक हो जाता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब हमसे इसका प्रकार भी पूछा गया है कि प्रकार के बारे में बताइए एक टॉपिक प्रेगनेंसी का, तो चलिए टाइप्स को हम लोग देख लेते हैं। टाइप्स यहाँ पे देख लीजिए, ट्यूबल देख लीजिए, ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी का यह निम्न वाहिनियों में होने वाला गर्भधारण होती है जो वाहिनी के इन भागों में होती है, जैसे एम्पुला, स्थमस, इनफुंडिबलम, ठीक है, इंटरेस्टी पोर्शन। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में सबसे अधिक गर्भधारण लगभग 95% डिम्ब वाहिनी फैलोपियन ट्यूब में होती है। यहाँ पे देखिए, पहला प्रकार है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का ट्यूबल, ट्यूबल मतलब ट्यूब में, मतलब ट्यूब मतलब वाहिनी में होता है। तो इस प्रकार के जो प्रेगनेंसी होता है वह जो आरोपण जो डिम्ब का होता है वह डिम्ब वाहिनी में होता है, मतलब फैलोपियन ट्यूब में होता है। लगभग 95% जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मामला होता है वह फैलोपियन ट्यूब में ही होता है, और जो फैलोपियन ट्यूब के निम्न वाहिनी में, नीचे वाला वाहिनी में गर्भधारण होता है तो उसे ट्यूबलकल एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब, और ट्यूब से ही ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी बना है, ठीक है। लगभग यह 95% मामला में यही डिम्ब फैलोपियन में ही हो जाता है, ठीक है, जो कि असमान होता है। दूसरा है ओवेरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इसमें डिम्ब डिम्बाशय ओवरी में गर्भधारण होता है, डिम्ब निषेचन के पश्चात जो है ओवरी में रह जाता है और वहीं पर उसका विकास होता है। यह गर्भावस्था कब तक रहेगी यह वहां उपलब्ध स्थान के ऊपर निर्भर होता है। यह स्थान अधिकतर ओवेरियन लिंगामेंट का होता है जो जेस्टेशन सैक को यूट्रस से जोड़ती है। आपको यह ओवेरियन कह रहा है, ओवेरियन का मतलब क्या होता है? ओवरी का मतलब अंडाशय, तो जो अंडाशय होता है जहाँ पे अंडा बनता है वहीं पे जो है क्या होता है यह जो है निषेचन के बाद जो अंडा है उसी अंडाशय में ही रह जाता है, ठीक है, बाहर नहीं निकल पाता है और वहीं पे इसका विकास होने लगता है, तो इसीलिए इसे ओवेरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब यह गर्भ अवस्था कब तक रहेगा इसका कोई जो है निश्चित नहीं होता है, क्योंकि जो यूट्रस का गुण है बच्चे को पालने का वह दूसरा अंगों का तो होगा नहीं, दूसरा अंग तो उतना फैलेगा नहीं, तो जितना जगह होगा उस जगह पर उतना देर तक यह गर्भावस्था रहेगा, उसके बाद जो है यह ख़त्म हो जाएगा। तो ओवेरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है कि ओवरी में ही, मतलब अंडाशय में ही जो है यह गर्भधारण हो जाता है और वहीं पर जो है निषेचन जो होने के बाद जो विकास होता है वह ओवरी में ही होने लगता है, इसीलिए इसे ओवेरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, ठीक है। तीसरा है कॉर्नियल प्रेगनेंसी, कॉर्नल प्रेगनेंसी, कॉर्नल प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि इस प्रकार में गर्भ अवस्था जो है फैलोपियन ट्यूब के गर्भाशय वाली कोण पर विकसित होती है। इसमें असमान रूप से गर्भाशय भी वृद्धि होती है जो दूसरी तिमाही में फटकर गर्भपात के रूप में निकल जाता है। कॉर्नल प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि यह जो है यूट्रस के और फैलोपियन ट्यूब के जो कॉर्नर होता है उस कॉर्नर पर जो है इसका होता है। जैसे मैं बता देता हूँ फिगर के माध्यम से, देख लीजिए यहाँ पे, देखिए अगर ओवेरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगा तो यह ओवरी में जो है यहाँ पे विकास होगा, ठीक है, लेकिन अगर कॉर्नल एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगा तो यह यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब के कॉर्नर पर होगा। कहाँ पे? यहाँ इस वाले कॉर्नर पर, ऊपर में, ठीक है, इधर इधर होगा या इधर होगा। तो जब इधर होगा तो यह जो है असमान रूप से यूट्रस भी जो है बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है यह तिमाही में क्या होता है अपने आप फटकर गर्भपात के रूप में निकल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कॉर्नल प्रेगनेंसी। कॉर्नल से स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं यह कॉर्नर पर होने वाला गर्भ अवस्था होता है जो फैलोपियन ट्यूब के और गर्भाशय के कोण पर जो है विकसित होता है, और यह असमान रूप से गर्भाशय भी वृद्धि होती है और दूसरी तिमाही जब आता है तो वहाँ पर फटकर गर्भपात के रूप में निकल जाता है, ठीक है। तो यही कॉर्नल प्रेगनेंसी होता है, यानी कॉर्नर पर होता है फैलोपियन ट्यूब के और यूट्रस के कॉर्नर पर होता है, इसलिए कॉर्नल प्रेगनेंसी कहा गया, ठीक है। चौथा है प्राइमरी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी। प्राइमरी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी का मतलब है कि कभी कभी निषेचित डिम्ब किसी अज्ञात कारणवश ट्यूब की तरफ न जाकर पेट के निचले भाग में ओमेंटम, जो बावेल का पेरिटोनियल कवरिंग होता है, में विकसित होने लगता है और आगे वृद्धि करता है, ठीक है। कभी कभी होता है कि प्राइमरी एबडोमिनल प्रेगनेंसी, मतलब जो एबडोमिनल का जो, मतलब जो अमाशय का जो आपके प्राइमरी भाग है वो जो डिम्ब के नज़दीक है वह किसी कारण से, अज्ञात कारण से ट्यूब के तरफ, फैलोपियन ट्यूब के तरफ नहीं जाके वह जो है पेट के निचले भाग में, यानी
यानी जो डिम्ब है, जो ट्यूब है फेलोपियन ट्यूब, उसके ऊपर और पेट के नीचे जो है ओमेंटम, जो कि बावेल का पेरिटोनियल कवरिंग होता है, वहाँ पे विकसित होने लगता है और आगे वृद्धि, यानी सीधा समझिए कि पेट के निचले वाले भाग में जो है विकसित होने लगता है, जहाँ से आंत जो है आपके रहते हैं उस वाले भाग में जाके यह जो है विकसित होने लगते हैं और आगे भी वृद्धि करते रहता है। तो यह प्राइमरी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी होता है। क्यों? क्योंकि यह एबडोमिनल के प्राइमरी भाग में जो है वृद्धि होता है निषेचन के बाद। ठीक है, तो यही चार प्रकार होता है, याद रखिएगा। पहला प्रकार है आपके ट्यूबल इक्टोपिक प्रेगनेंसी, दूसरा था आपका क्या चीज़, ओवेरियन इक्टोपिक प्रेगनेंसी, तीसरा था कॉर्नल प्रेगनेंसी, चौथा है प्राइमरी एबडोमिनल प्रेगनेंसी। और सब में नाम से ही स्पष्ट है कि कौन कहाँ पे जो है निषेचन के बाद जो है विकसित होगा, तो वह नाम से ही स्पष्ट। जैसे यहाँ पे एबडोमिनल है तो यह पेट के निचले वाले भाग में जो है किसी कारणवश ट्यूब में ना जाकर पेट के निचले वाले भाग में चला जाता है और वहीं पर वृद्धि होने लगता है। ठीक है, तो यही हमारा एबडोमिनल प्राइमरी एबडोमिनल प्रेगनेंसी हो गया। चार कारण जान गए, अब इसके जो चार प्रकार जान गए, अब ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का हम लोग जो है कारण को समझते हैं कि कौन कौन से कारण है जिसके कारण एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे है पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज, PID, PID आप लोग को पढ़ा चुके हैं, जिसमें PID में अलग अलग जो है समस्या आता है, अलग अलग इन्फ्लामेशन आता है अलग अलग अंगों का, तो PID इसका कारण हो सकता है। अधिक गर्भ निरोधक दवाइयों का प्रयोग, अगर बहुत ज़्यादा कोई महिला या कोई भी अगर बहुत ज़्यादा वह गर्भ निरोधक दवाइयों का इस्तेमाल कर चुकी है तो उस कंडीशन में भी यह समस्या बनता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। इंट्रायूटेराइन डिवाइस IUD का प्रयोग, अगर IUD का प्रयोग करता है तो मान गए IUD के प्रयोग करने से हो सकता है कि अगर बाई चांस अगर प्रेगनेंसी रह जाता है तो यही एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रूप में जो है आपके यूट्रस में नहीं विकास होकर यूट्रस के बाहर कहीं भी जो है विकास करने लगेगा, तो वही IUD का प्रयोग भी कारण बन सकता है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब की शल्य चिकित्सा, अगर आप फैलोपियन ट्यूब का अगर कोई सर्जरी हुआ है तो यह कारण बन सकता है आपके कि पेट के एरिया में या फिर ओवरी में ही जो है विकास होने लगे निषेचन के बाद। ठीक है, उसके बाद है फैलोपियन ट्यूब में कोई समस्या, कोई विकार होना भी इसका कारण बन सकता है। ठीक है, पूर्व में एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अगर पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुआ है तो बाद में भी कारण बन सकता है कि फिर से एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाए, तो यह सब कारण है। और कारण में मैंने आपको अच्छे से डिटेल में बता दिया, पूर्व में यदि इंडक्ट एवर्सन की गई हो तो पूर्व में अगर कोई जो है स्व इंडक्ट अगर एवर्सन मतलब गर्भपात किया गया हो तो यह कारण भी बन सकता है कि जो है उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाए। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का ये सब कारण है, PID, अधिक गर्भ निरोधक दवाइयों का प्रयोग करना, IUD का प्रयोग, फैलोपियन ट्यूब का सर्जरी, फैलोपियन ट्यूब में कोई डिसऑर्डर होना, यह सब जो है आपके कारण बनते हैं, समझ गए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। ओके, या फिर पूर्व में कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रखा है, या फिर जो है पूर्व में कोई आप जो है इंडक्ट एबॉर्शन करवाया गया हो, तो यह सब कारण बन सकता है क्या चीज़ में, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। ठीक है, अब माय डियर इसके लक्षण देखिए कि अगर मान गए यूट्रस में अगर निषेचन के बाद, यूट्रस में अगर फर्टिलाइजेशन के बाद अगर यूट्रस में विकास नहीं होता है तो फिर क्या क्या जो है प्रॉब्लम होगा यूट्रस के बाहर अगर स्थापित हो जाता है तो देखिए क्या क्या होगा। सबसे पहले मासिक चक्र में तो अनियमितता होगा ही होगा, साथ में उदरीय दर्द होगा, एबडोमिनल पेन भी होगा। ठीक है, पेट के निचले भाग में एक तरफ को ऐंठन के साथ साथ बार बार दर्द आएगा, मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब ही है कि समान जगह से ना होकर इधर उधर कहीं पे विकास होने लगेगा, तो समझ लीजिए कि पूरे जो गर्भ अवस्था काल जो होगा वह बड़ी दुखदायक होगा। ठीक है, क्योंकि जितना कंफर्टेबल यूट्रस में बच्चा वृद्धि करेगा और महिला को कम दिक्कत होगा, उससे ज़्यादा फैलोपियन ट्यूब है या ओवरी है या एब्डोमिनल एरिया में अगर विकास होने लगेगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यही कहता है मासिक चक्र में अनियमितता, उदरीय पेन होगा ही होगा, साथ में पेट के निचले भाग में यानी इलियाइक रीजन में एक तरफ से ऐंठन होगा, बार बार दर्द होगा, उल्टी आना और जिम मत चलना, ये तो आम बात है प्रेगनेंसी का। परीक्षण करने पर गर्भाशय का स्थान थोड़ा कठोर व ग्रीवा का स्थान कुछ नरम महसूस होना, अगर एग्जामिनेशन करते हैं तो यूट्रस का स्थान कठोर लगेगा, हार्ड लगेगा, जबकि सर्विक्स जो है आपको मुलायम सॉफ्ट लगेगा। रक्त स्राव के कारण शरीर पीला हो सकता है, और ये जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है इसमें ब्लीडिंग होने के कारण शरीर पीला भी कारण बन सकता है, और
योनि मार्ग से जो है रक्तस्राव होगा, बहुत ज़्यादा पसीना, बेचैनी, थकान, यह सब जो है लक्षण जो है प्रेगनेंसी का, जो जो लक्षण होगा वह सब तो होगा ही होगा, बट थोड़ा सा दिक्कत, समस्या, परेशानी ज़्यादा होगा यहाँ पे, ठीक है। चलने फिरने में भी दिक्कत आएगा, ठीक है। तो ये सारे चीज़ है, गैस का, कब्ज का समस्या जो है ज़्यादा रहेगा, ये सब चीज़ें हैं लक्षण में होगा। निदान में क्या क्या होगा माय डियर, सबसे पहले एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, पेट का परीक्षण किया जाएगा, रक्त का, ब्लड का एग्जामिनेशन किया जाएगा, अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी किया जाएगा, लेप्रोस्कोपी किया जाएगा, और यह सब करके जो है निदान किया जा सकता है, ठीक है। तो कोई खास नहीं है, अल्ट्रासाउंड, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, ब्लड एग्जामिनेशन, सोनोग्राफी, लेप्रोस्कोपी, यह सब जो है निदान, डायग्नोसिस है, ओके। अब बात आती है कि हम प्रबंध कैसे करेंगे अगर किसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रखा है। तो मैनेजमेंट में रोगी का नियमित आपको अवलोकन करना चाहिए, वह जैविक चिन्हों को निरंतर जांच करनी चाहिए, मरीज को आप हमेशा ऑब्जर्वेशन करते रहेंगे, वाइटल साइन का निरंतर जांच करते रहेंगे, रोगी को पर्याप्त आराम देनी चाहिए, अगर किसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा ही आराम देना चाहिए, ठीक है। दर्द को, दर्द होने पर एनाल्जेसिक देना चाहिए, अगर हम लोग लक्षण में देखे हैं कि एक साथ में एंठन भरा दर्द होगा इलियाई की रीजन में, तो एनाल्जेसिक देंगे, बुखार होने पर एंटीपायरेटिक भी देंगे क्योंकि दर्द होने पर बुखार आ जाता है। उसके बाद है शॉक, मतलब आघात लगने से बचने के लिए आईवी के माध्यम से बहुत ज़्यादा फ्लूड जो है दिया जाना अनिवार्य है, यदि एनीमिया हो, ब्लड की कमी हो तो ब्लड ट्रांसफ्यूजर किया जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर अभी देखें कि ब्लड कमी हो सकता है, ओके। आगे है एक तरफ की फैलोपियन ट्यूब में बार बार गर्भधारण पर जो है सेल्पिंजेक्टोमी, ठीक है, सेल्पिंजेक्टोमी जो है की जाती है, फैलोपियन ट्यूब में जो है बार बार गर्भधारण होने पर सेल्पिंजेक्टोमी की जाती है, ठीक है। रोगी को आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन प्रदान किया जाता है, ऑक्सीजन कम होने पर, ठीक है। चिकित्सक निर्देशानुसार सभी दवाइयां समय पर देनी चाहिए। नेक्स्ट है अस्थानीय गर्भधारण के निदान के बाद लेप्रोटोमी की जाती है, इस सर्जरी को सेल्पिंजेक्टोमी कहते हैं, इसके द्वारा आरोपित ट्यूबल फीटस को अथवा फैलोपियन ट्यूब को भी काटकर बाहर निकाल दिया जाता है। इक्टोपिक प्रेगनेंसी के निदान में लेप्रोटोमी की जाती है, ठीक है। लेप्रोटोमी के जरिए जो है जो सेल्पिंजेक्टोमी जो होता है वो किया जाता है, और इसमें जो ट्यूब में जो बच्चा का विकास होता रहता है भ्रूण का, उसको निकाल दिया जाता है, या फिर संपूर्ण ट्यूब को ही काटकर बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो इसके निदान में ये किया जाता है अगर ज़्यादा परेशानी हो तो। और 11 है संक्रमण की रोकथाम के लिए उपयुक्त एंटीबायोटिक भी देते हैं। तो यह 11 पॉइंट प्रबंध के रूप में हो गया, बाकी आप लोग को इंग्लिश भी यहाँ पे दिया गया है, आप इंग्लिश वाले इसको इंग्लिश में अच्छे से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल चीज़ें दिया गया है, बस बहुत आसान था, आप लोग इसको सेकेंड ईयर में भी पढ़े हैं एक टॉपिक प्रेगनेंसी को, तो आपके लिए बहुत ही आसान था, एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया आप लोग को। अब आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा एक से दो बार तो याद हो जाएगा, ओके।